दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ भी धार्मिक और प्राचीन महत्व के तमाम मंदिर हैं। इन्हीं में एक है सिविल लाइन से स्थित हनुमत निकेतन। बजरंग बली यहाँ विशेष मुद्रा में रहते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन कराते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी प्रसाद की कई दुकानें हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही 4 से 5 दुकानें हैं, यहाँ पर प्रसाद तैयार किया जाता है। इसके अलावा कई दुकानें मंदिर परिसर के बाहर भी हैं। जो मंदिर के व्यवस्थापक है, मंदिर की कमेटी है, उसी की निगरानी में प्रसाद तैयार किया जाता है, उन्हें श्रद्धालुओं को बेचा जाता है। श्रद्धालु यहां से प्रसाद लेकर के अंदर चढ़ाते हैं, बजरंग बली को चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि यहां जो प्रसाद तैयार किया जाता है पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन तिरुपति बालाजी की घटना सामने आने के बाद जो श्रद्धालु हैं उनके मन में तमाम शंकाएं हैं। उन्हें इस बात की शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो प्रसाद ले रहे हैं उनमें भी किसी तरीके की मिलावट हो, उनकी आस्था पर कहीं कोई असर पड़ रहा हो। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार हैं, हम उनसे भी पूछते हैं और जानते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका, बताइए। मैं धीरज यादव। धीरज जी ये बताइए कि जब प्रसाद आप बनाते हैं, क्योंकि ये मिठाई नहीं आप बनाते हैं, आप प्रसाद बनाते हैं, तो किस तरीके की शुद्धता का ध्यान रखते हैं? सर ये देसी घी का यूज होता है और सफाई से काम होता है, कोई मिलावट नहीं, शुद्ध देसी घी का, किसी तरीके की मिलावट नहीं होती है, श्रद्धालुओं की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है, इस तरीके का दावा किया जा रहा है। और तमाम जो है, इस वक्त शाम का समय है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, मंदिर के व्यवस्थापक शिव कुमार शुक्ला जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए कि यहाँ पर जो प्रसाद आप लोग तैयार कराते हैं, जो है जो मंदिर में दुकानें हैं वो शुद्ध रहे, किसी तरीके की मिलावट ना हो, इसके लिए किस तरीके के इंतजाम आप लोग करते हैं और क्या व्यवस्थाएं अब यहाँ पर रहेंगी? दरअसल में हमारे यहाँ का ये आज से नहीं बहुत पुराना, लगभग 60-61 वर्ष से ये दुकानें भी बहुत पुरानी है, नई नहीं है। और जो भी मार्केट में देसी घी मिलता है, चूंकि यहाँ शुद्ध देसी घी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, मार्केट में जो भी घी देसी मिलता है ओरिजिनल उसको लिया जाता है, बेसन खरीद करके उसका मगज का लड्डू और खोआ लेकर के वो बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई मिलावट आज तक हमारे लोगों के सामने नहीं आया, ना ही ये दुकानदार ऐसा किए, ना ही यहाँ मंदिर का कोई ऐसा आदेश निर्देश ही हुआ, और बराबर यहाँ जांच पड़ताल चलती रहती है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आती नहीं। लेकिन तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो मिलावट का मामला सामने आया है उसके बाद अब आप लोग क्या कुछ और एहतियात बरत रहे हैं? उसके लिए और हम विशेष जांच पड़ताल कर रहे हैं कि किसी प्रकार से कहीं भी कोई गड़बड़ी हो, लेकिन ऐसा कोई समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन इसकी देख रेख बराबर कर रहे हैं। यदि कहीं किसी जगह कोई गड़बड़ी निकल गई है तो अपने यहाँ देखना अनिवार्य होता है, इसलिए हम लोग जांच पड़ताल इसकी करते हैं, लेकिन प्रसादों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और नहीं आज तक आई है। बिल्कुल, हमारे साथ मंदिर के पीआरओ रावेंद्र मिश्रा जी भी हैं। मिश्रा जी और इधर आते हैं हम लोग, ये बताइए कि अब जो तिरुपति बालाजी का मामला सामने आया है उसके बाद आप लोग किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं यहाँ पर? उसके बाद सर यहाँ पे शुद्धता का पूरा ध्यान दिया जाता है, उसके बाद से हम लोग और सतर्क हो गए हैं, क्योंकि ये दर्शनार्थियों का आस्थे से खिलवाड़ ना हो, इसके लिए हमारे यहाँ पूरा शुद्धता का ध्यान दिया जाता है और आगे भी दिया जाएगा। मंदिर मैनेजमेंट की भी तरह से पूरा व्यवस्था देखी जाती है कि प्रसाद किस तरह तैयार हो रहा है, कैसे बन रहा है, उसमें कोई मिलावट ना हो सके, इसके लिए सर पूरा ध्यान दिया जाए। अब और एहतियात बरतेंगे? बिल्कुल सर, और एहतियात बरतेंगे सर। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलकार सिंह मालवी है। मालवी जी ये बताइए कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलाए जाने की बात सामने आई है, मछली का तेल मिलाए जाने की बात सामने आई है, यहाँ पर आप आए हैं दर्शन करने के लिए, प्रसाद ले रहे हैं, मन में कहीं कुछ ना कुछ शंका तो अब आ रही होगी? हाँ, वो कहीं मिला है तो हो सकता है, वो हर जगह भी इसकी संभावना हो सकती है, अगर एक जगह मिल रहा है तो दूसरी जगह भी डाउट तो होता ही, हो ही सकता है अपने को, हो सकता है, लेकिन आस्था है तो अब खरीदेंगे, भगवान को अर्पित करेंगे, भगवान को अर्पित तो करेंगे, वो जो भी है वो
जो कर रहा है वो भुगतेगा वो, लेकिन अपना कर्म जो है वो अपने वो करना है। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो उसको उसका फल मिलेगा। देखिए और भी कई श्रद्धालु हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अमन है, अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी, ये बताइए कि तिरुपति माला जी के मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आई है, यहाँ पर आप आए हैं दर्शन करने के लिए, प्रसाद खरीद रहे हैं, मन में कुछ आशंका तो अब आ रही? बिल्कुल नहीं है, मतलब उधर का भी नहीं था जो कि देखने में आ रहा है, क्या पता हो सच है कि नहीं, ऐसे कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक होगी बात सच्ची होगी, लेकिन यहाँ तो हमें पता है यहाँ कुछ मिलावट नहीं है, यहाँ जो भी है एकदम श्रद्धा के भाव से बनाया जाता है और सब प्रसाद ही है, मतलब विश्वास है। विश्वास है। अच्छा, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने पर संगम नगरी प्रयागराज के मंदिरों में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मन में भी तमाम सवाल हैं, तमाम शंकाएं हैं। हालांकि इस बारे में जो दुकानदार हैं, जो मंदिर के व्यवस्थापक हैं, उनका दावा है कि पहले से ही वो शुद्धता का ध्यान रखते थे, लोगों की आस्था का ध्यान रखते थे, और जब तिरुपति बालाजी का मामला सामने आया है उसके बाद अब और ज्यादा एहतियात बरतेंगे और इस तरह से निगरानी करेंगे कि कहीं किसी भी तरह से श्रद्धालुओं की आस्था प्रभावित ना हो, उनकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।